अच्छा जिस तरह हर चीज को हम एड करते हैं या एडिट करते हैं उसी तरह हमें हमारे लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हम कंटेंट को रिमूव या डिलीट कैसे कर सकते हैं और द गुड न्यूज़ अबाउट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था सी एम एस इज़ इट नोज हाउ हाउ टू मैनेज कॉन्टेंट इट नोज हाउ टू अलाउ यू टू एडिट कॉन्टेंट एंड इट नोज़ कि जब भी आप कोई कॉन्टेंट रिमूव करते हैं तो उसको कहाँ रखना है कितनी देर के लिए रखना है किस तरह मैनेज करना है किस तरह आपको उसकी एक्सेस देनी है तो so, डिलीटिंग अ कॉन्टेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज नोइंग आपने कब कॉन्टेंट को ऐड करना है और एडिट करना है सो वन सिंपल वे बड़ा ही सिंपल तरीका इज टू क्लिक ऑन द ट्रैश बटन या जो लिंक है आपकी पोस्ट पे ये ट्रैश आपने कभी सुना है या देखा है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपके विंडोज़ uh, पे आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिसाइकल बिन आपको नजर आता है तो ये वो एरिया होता है आपको इसमें आप फाइल्स uh, को डाल सकते हैं एंड दो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को डिलीट करते हैं वैसे ही आप वर्ड में फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं ट्रैश में भेज सकते हैं आखिर वर्ड भी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वेब WordPress is a content management system of the web. So It will work exactly like an operating system does. So जिस तरह मैंने आपको बताया, one simple way is to click on the trash link and वहाँ से आप उसको delete कर सकते हैं. The other way is to go in the post in the page and then delete it permanently. वहाँ पे आपको delete permanently का link नजर आएगा, वहाँ से आप इसको delete कर सकते हैं. डिलीट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें और थोड़ा सा कॉशियस हो क्यों क्योंकि जब एक दफ़ा कंटेंट चला गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कंटेंट टू कम बैक तो आपने सोचना है आपने देखना है कि किस टाइम पे आपने कंटेंट को डिलीट करना, करना है और क्यों डिलीट करना है सो एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताई इज टू डिलीट द कंटेंट फ्रॉम द लिस्ट कैश का आइकन आप क्लिक कर सकते हैं द अदर ऑप्शन इज ऑब्वियसली कि आप पोस्ट में जाएं और वहां से इसको डिलीट करें uh, आप ट्रैश वाले लिंक पे भी जा सकते हैं और ट्रैश के लिंक पे जाने के बाद जो आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं उनको आप वहां से परमानेंटली भी uh, डिलीट कर सकते हैं सो दीज आर अ फ्यू ऑप्शनस दैट यू हैव अवेलेबल दैट यू शुड एक्सप्लोर बट अगेन वेरी केयरफुल बी वेरी कॉशियस एंड बी वेयर एक दफ़ा आपका कॉन्टेंट चला गया तो दोबारा आपका कंटेंट वापस नहीं आ सकता एंड यू कैन डू इट फॉर मल्टीपल आइटम्स एज वेल आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डिलीट दोज मल्टीपल आइटम्स राइट फ्राम दैट प्लेस दैट इज द ट्रैश वाला जो एक सेक्शन है आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कैन आई क्विक एम टी ट्रैश क्या ट्रैश से मैं अपनी फाइल्स को एक सारी साथ डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं सो यू के नॉट डू दैट बट इफ यू हैव अपन यू कैन क्विक एम टी ट्रैश एज वेल उसके अलावा आप क्या ट्रैश uh, को एमटी करने से डिसेबल कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि ट्रैश ऑटोमेटिकली थर्टी डेज बाद आपकी पोस्ट को डिलीट कर देगा परमानेंटली तो आप लग इन इंस्टॉल कर सकते हैं विच विल अलाउ यू टू कीप योर पोस्ट इन द ट्रैश कैन फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट साथ ही एक और फीचर ये कि क्या आप डिलीटिंग के साथ पोस्ट को क्लोन भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं We'll go to our website and we'll log in. याद रखें कि जिस सेक्शन को आपने डिलीट करना है आपने उसी में जाना है अगर आप पोस्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट में जाएंगे अगर आप पेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पेजेस में जाएंगे पोस्ट में मैं जाऊंगा आपको एक एग्जांपल देने के लिए वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है कि आप इधर जाए और इधर जो बिन आपको लिखा नजर आ रहा है जिसको पहले वर्ल्ड में ट्रैश कहा जाता था आप उसको क्लिक करें ये आपको रेड में नजर आ गई रेड में इसलिए मार्क हुआ है बिकॉज इट शोइंग यू कि यू आर अबाउट टू परफॉर्म अ वेरी सीरियस टास्क यू विल बी पुटिंग दिस कंटेंट इन द ट्रैश बिन तो मैं अगर इसको बिन पे यहां क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली कंटेंट बिन में मूव हो गया वो मुझे दिखा भी रहा है कि वन पोस्ट हैज बिन मूव टू द बिन और ऊपर मुझे नज़र भी आ रहा है कि बेन से रिलेटेड एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया है जिस जिसपे मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में जाऊंगा आप एक और चीज भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो कंटेंट है आपका वो गायब हो गया गायब इसीलिए हो गया बिकॉज नाउ इट हैज़ बिन मूव टू द बिन इट हैज़ बिन मूव टू द ट्रैश कैन इसका पहले कुछ वर्डप्रेस के वर्जन में नाम होता था ट्रैश नाउ इट्स कॉल्ड बिन दोनों में फर्क प्लीज नोट कीजिएगा इसके अलावा अगर मैं जाऊँ इस पोस्ट को एडिट करने तो वहां से भी आई कैन मूव दिस पोस्ट टू द बिन और आई कैन डिलीट इट आप में से काफ़ी लोग होंगे जो शायद डिलीट का बटन ढूंढ रहे हो सो देर इज नथिंग कॉल डिलीट इट्स ऑलवेज मूव टू द बिन या बिन का जो एक आइकन uh, है या लफ्ज है वो अपने जेहन में रखिएगा यहां पे मुझे ऑप्शन में नजर आ रहे मूव टू द बिन सो आई कैन क्लिक ऑन मूव टू द बिन एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये पोस्ट बिन में मूव होगी और आप देख रहे हैं कि अब मुझे वो दिखा रहा है कि बिन में अब दो पोस्ट हैं ना लेट्स गो टू दैट बिन सेक्शन एंड वहां पे देखते हैं कि ये जो दो पोस्ट हैं ये क्या हैं तो so, वो आपको दिखा रहा है कि पोस्ट आपके पास दो हैं ये ख्याल रखिएगा कि आप पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते बिन में आपको पोस्ट को पहले रिस्टोर करना पड़ेगा फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं वाई डू वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट ताकि अगर हमने गलती से कोई पोस्ट डिलीट कर दी है या हमारे ही किसी और यूजर ने कर दी थी एंड वी वॉन्ट टू एक्सेस इट अगेन वी नीड टू रिस्टोर इट सो लेट मी क्लिक ऑन रिस्टोर फॉर वन ऑफ द पोस्ट तो ये पोस्ट दोबारा रिस्टोर हो जाएगी और यहां से निकल जाएगी बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू डिलीट इट परमानेंटली आई विल क्लिक ऑन डिलीट परमानेंटली प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस एक दफा आपकी पोस्ट परमानेंटली डिलीट होगी इट्स गॉन इट्स वेनेस्ट फ्रॉम द प्लानट फ्राम एवरीवेयर फ्रॉम योर मेमोरी फ्रॉम वर्ल्ड प्रेस हर जगह से आपकी पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है देर इज नो वे ह्यूमनली पॉसिबल टू गेट बैक दैट पोस्ट आपका कॉन्टेंट जा चुका है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस सो अब ये बिन में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एक पोस्ट हमने रिस्टोर कर दी थी एक पोस्ट हमने डिलीट कर दी थी परमानेंटली अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल पोस्ट को भी बिन में भेज सकते हैं मूव टू द बिन अप्लाई अब आप देख रहे हैं कि बिन में तीन पोस्ट आ गई हैं अगर आप पेजेस में जाएं तो यहां आपको बिन नहीं नजर आएगा सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कि पोस्ट में तो मुझे बिन नजर आ रहा था लेकिन मुझे पेजेस में बिन नजर नहीं आ रहा सो वट्स एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन वो इसलिए हो रहा है बिकॉज पोस्ट का बिन सेपरेट है पेजेस का बिन सेपरेट है हर पोस्ट टाइप का बिन सेपरेट होगा तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ब्लॉग को मैं बिन करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ सो अगेन गोइंग बैक टू द पोस्ट आई कैन क्लिक ऑन बेन एंड सी के कौन कौन सी वहाँ पे पोस्ट हैं एंड आई कैन रिस्टोर दैम और डिलीट दैम परमानेंटली याद आपने रखना है कि बेन्स आर सेपरेट एड न्यू प्लगन्स में मैं जाऊँगा और एड न्यू प्लगन्स में अगर आप ट्रैश से रिलेटेड कुछ लिखते हैं तो वील ट्राई टू फाइंड इफ वी कैन फाइंड अ गुड प्लगन तो so, एक प्लगइन हमें मिला है डिसेबल एम टी ट्रैश ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक प्लगइन मुझे मिला है ऑटोमेटिकली एम टी ट्रैश ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक एक करके मैं दोनों को एक्टिवेट करूँगा आई गो टू प्लग आई क्लिक ऑन डिसेबल पहले मैं एलिमेंटरी को क्विकली डीएक्टिवेट करूंगा और साथ ही साथ मैं डिसेबल एम टी ट्रैश को एक्टिवेट करूंगा सो so, जैसे ही मैंने ये एक्टिवेट किया है इट विल पोस्ट में एक एम टी बेन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाना चाहिए सो व्हाट इट सेज इज कंप्लीटली डिसेबल्स द ऑटोमेटिक ट्रैश एम टी फॉरवर्ड प्रेस पोस्ट मतलब आप ऑटोमेटिकली वर्प पोस्ट हर तीस दिन बाद नहीं जो है वो डिलीट होंगी विल डीएक्टिवेट दिस प्लग इसी तरह आप डिफरेंट प्लग जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रैश। एक और प्लग है क्लोन पोस्ट का वो भी मैं आपको जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ क्लोन पोस्ट क्या करेगा कि अगर आपने एक चीज़ को डुप्लीकेट करना है

ट्रैश या बेन को हैंडल कर सकते हैं पोस्ट को रिस्टोर कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं मल्टीपल आइटम्स को और क्लोन साथ कैसे कर सकते हैं सिमिलरली यूल गेट टू लर्न मोर फीचर्स इन द अपकमिंग लेसन्स सो यू नो बी विद दस